आईपीएल भी आने वाला है 22 मार्च से, तो अब वो देखोगे या नहीं? आईपीएल देखूंगा, वो तो देखूंगा। दोनों में से कौन सा फेवरेट लगता है, पीएसएल अच्छा लगता है या आईपीएल? आईपीएल वैसे अच्छा लगता है, और क्योंकि लोअर की स्कोर करना होता है इसलिए पीएसएल देख लेते हैं। अच्छा, जैसे अब ये अभी सीरीज होने वाली है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की, ठीक है, तो क्या देखोगे वो सीरीज? हाँ, मैच सारे देखते हैं क्योंकि भाई भी उनके साथ देखते हैं मैच। अच्छा, उसके बाद अब ना पीसीबी का फैसला आया है, पीसीबी मीटिंग में गया था दुबई में, ठीक है, आईसीसी के साथ मीटिंग थी, उसमें उन्होंने कहा है कि जो चैंपियन ट्रॉफी है ना वो पाकिस्तान में होगी। तो पाकिस्तान ये कंफर्म तो नहीं पता, ये अपना यू टर्न ले लेंगे, इनका क्या पता है वैसे? नहीं, यू टर्न नहीं, कंफर्म हो गया कि चैंपियन ट्रॉफी इधर ही होगी। कंफर्म? आप ये मैं तो नहीं मानते, पहली बात ही क्यों नहीं मान रहे यहाँ? सुबह कोई और बात होती है, रात कोई और होता है। वजह मुझे आपको पता होना चाहिए, आप बताओ ना, आप कह रहे हो कि नहीं होता तो कोई रीजन भी तो दो ना। 100 मिसाले ऐसे मैंने कोई एक आधी मिसाल दे दी तो यार। एक मिसाल दे दो, चलो। लगता है मुझे गाजाना देखना चाह रही। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होगा, एक मिसाल दे दो, क्यों कह रहे हो ऐसा? मुझे आप समझ नहीं क्यों मैं कह रहा हूँ। अच्छा। मैंने कोई मिसाल ऐसी दे दी, मुझे घर भी जाना। अच्छा, अब ये फैसला तो हो गया कि चैंपियन ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में, तो क्या लगता है इंडियन के जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान में आकर खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे? नहीं, वो नहीं आगे खेलेंगे, ये कंफर्म बता। कंफर्म है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया में होने वाले हैं इलेक्शन, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन होने वाले हैं, और नरेंद्र मोदी की ना थर्ड टर्म आ गई है कि वो तीसरी या चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, तो क्या लगता है कि ये उनकी एक चाल है कि इसके तहत वो इंडिया की टीम को पाकिस्तान में भेज कर और अपने इलेक्शन भी जीत जाए? आपको लगता है कि ये स्कीम हो सकती है उनकी? नहीं नहीं नहीं, वो हमारी तरह नहीं, पाकिस्तान वाम तरह नहीं, इनकी वाम समझदार है, वो ऐसे नहीं, इनकी बातों में ऐसे नहीं कह सकते, मुझे नहीं लगता वो नहीं करेंगे ऐसा। नहीं वैसा, यानी कि कोई चाल नहीं है, वो सिर्फ बात करते थे ना कि अपने इलेक्शन जीतवाने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहे हो कुछ, कोई स्कीम या कुछ? पाकिस्तान के साथ वो मिलना ही नहीं चाह रहे, आप मिल के क्या कैसे कह सकते? क्यों नहीं मिलना चाह रहे? बस उनका नहीं माइंड ही नहीं, वो सीधी सी बात, वो पाकिस्तान शुरू से देखना नहीं चाह रहे, सही बात है, वो पता नहीं उनके अंदर क्या है, वो हम कुछ नहीं कह सकते, उनकी तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस कभी भी नहीं आया, तो ये आप ही कह रही कि उन्होंने ऐसा कहा, मुझे नहीं लगता वो आएंगे बस। अच्छा, यानी कि वो नहीं आएंगे चैंपियन ट्रॉफी में, अगर चलो इंडिया वाले ना भी आए तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये चैंपियन ट्रॉफी तो एशिया की है ना, तो अगर इंडिया वाले ना भी आए तो क्या फर्क पड़ेगा? ना ये कुछ ना, हम कौन सा वेलकम करने के लिए तैयार है, अगर ना भी आए तो ठीक है, उनकी मर्जी, हम भी नहीं जाएंगे कल को ये कहने के बाद, वैसे चले जाएंगे। अच्छा देखो, अगर वो नहीं आते, उन्होंने आने से इनकार कर दिया, तो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन तो पहले ही खराब है। हाँ। ऐसे तो और ज्यादा खराब हो जाएंगे। हाँ, तो वो चाह रहे इंडिया वाले तो शुरू से चाहते हैं कि पाकिस्तान हम देखे ही ना कभी, और यानी कि अब कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती उनसे। अच्छे की तो उम्मीद इंडिया से ना लगाए। अच्छा, लास्ट में क्या बोलो? और ना अपने हुक्मरानों से अच्छी उम्मीद लगानी चाहिए। अच्छा, बस अल्लाह से उम्मीद लगाए। पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो गए थे दुबई, वहाँ पर आईसीसी की मीटिंग हुई है, ठीक है, हाइब्रिड के तहत की ना, वहाँ पर जो है ना पाकिस्तान में एशिया ट्रॉफी होने वाली है, ठीक है, चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी या फिर बाद में ये डिसीजन चेंज कर लिया जाएगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान में, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, तो इंडिया की टीम पाकिस्तान में आकर खेलना चाहेगी या फिर वो इनकार कर देगी साहब? इंडिया की पहले नंबर पे तो वो कभी भी नहीं खेलेगी, इनकार करेगी। अच्छा, क्योंकि इंडिया ट्रपोबल है, वो कभी भी नहीं। क्या है इंडिया? बिल्कुल ट्रपोबल है। अच्छा, क्यों कह रहे हो ऐसा? मुझे पता है। चलो बताओ क्या रीजन है। बाबर आजम ने जो इस क्रिकेट में खेला है, बैटिंग बहुत अच्छी की है। अच्छा, सबसे बेस्ट खेला। अच्छा, तो यानी कि उनकी जो टीम के प्लेयर है विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये लोग अच्छा प्ले नहीं करते बाबर आजम के हवाले से, अगर को देखे तो? मेरे जो बेस्ट है ना वो फरीद शाहिद थे। अच्छा, बाबर आजम, ठीक है, ये मुझे बेस्ट है मेरे। अच्छा, मैंने का बहुत बड़ा था तो किसी का नाम है। लेकिन देखो ना, वहाँ इंडिया की टीम का विराट कोहली भी तो बहुत बेस्ट है। इंडिया की टीम का जो विराट कोहली है वो भी तो काफी अच्छा खेलता है। वो पहले खेलता होगा लेकिन अब नहीं है, अब वो फारिग है। अब फारिग है? फारिग है। इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो? हाँ। अच्छा, तो अब यानी कि आपका कहना है कि इंडिया वाले पाकिस्तान में आकर नहीं खेलेंगे, ठीक है, तो अगर बात की जाए एशिया चैंपियन ट्रॉफी की, ये तो है भी एशिया की है, ठीक है, तो अगर इंडिया वाले ना भी आए तो कोई फर्क पड़ेगा पाकिस्तानियों को या नहीं? पड़ेगा। कैसे?
कैसे पड़ेगा? अब एक ट्रॉफी के लिए हमारा तो पाकिस्तान बोलेगा, जो हमारा पाकिस्तान जीत के आएगा ट्रॉफी वर्ल्ड कप, जाहिर है सबके दिलों में खुशखबरी फैलेगी। अच्छा। अब कुछ काम ऐसे होते हैं कि हम लोग शर्ट लगा रखे हैं, चुगे लगा रखे हैं, मैच हो रहा था, ये चक्का लगेगा तो ये 5 लाख ऐसे जो सिस्टम है, ये गाड़ी की भी चाबी भी पकड़ा देते हैं लोग, बाइक की भी पकड़ा देते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, देखो अगर इंडिया वालों ने मना कर दिया पाकिस्तान में आकर खेलने से, तो हमारे तो रिलेशन उनके साथ पहले ही बहुत खराब है, तो अब उसके बाद क्या असर पड़ेगा हमारे तालुकात पे? जाहिर है वो खराब ही होगा तब। हाँ, तो क्या असर पड़ेगा बाद में? असर यही पड़ेगा कि वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे, हम उनके खिलाफ हो जाएंगे, यही असर पड़ेगा। और क्या पड़ेगा? हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो हम क्या यही चाहते हैं कि वो हमारे खिलाफ हो जाए? हमें दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए उनके साथ? हमें उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। अच्छा। ठीक है, लेकिन जो कश्मीर के साथ हो रहा है ना वो बहुत बुरा हो रहा है। क्या हो रहा है कश्मीर के साथ? वो आपको नहीं पता क्या? आप बताएं। जुल्म हो रहा है। क्या जुल्म हो रहा है बताएं आप? मैं यही तो बता रहा हूँ आपको, जुल्म हो रहा है। अच्छा, वो कौन कर रहा है बताएं आप? यही कर रहे हैं इंडिया वाले, कर रहे हैं आपका कहना ही है। हाँ। अच्छा, तो अब हमें क्या करना चाहिए फिर इसके लिए, हल क्या है इसका? इसका हल कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही कुछ गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, जो भी बैठता है अपने के लिए बैठता है, अपने फायदे के लिए बैठता है। ठीक है, हमारी आवाम का कुछ भी नहीं मान सकता, कभी भी नहीं मान सकता। अच्छा, चलो लास्ट पर क्या मैसेज देना चाहते हो? मैसेज ये देना चाहता हूँ कि बस जो भी वज़ीरे आज़म बैठता है, ठीक है, हमारी कौम के लिए अच्छा सोचे, बेहतरी सोचे। बस हाँ, बस यही है मेरा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया।